टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स में एक कमेंट काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम देते हैं, काफ़ी एजेड हैं और कई एक बार देते हैं, आता भी सब कुछ है। ऐसी बात नहीं कि सिलेबस में कुछ आता ना हो, उनको क्वेश्चन समझाते हैं करना और क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि किसी प्राइवेट स्कूल में। तो एक सिस्टम से आता सब कुछ है, थोड़ा सा ये है कि हाँ हो जाएगा, स्पीड नहीं है, यानी एग्ज़ाम में कर नहीं पाते हैं। सीधी सी बात है, ये आने के बावजूद एग्ज़ाम में हो नहीं पाता। उन 2 घंटे जो बहुत मस्ट होते हैं वो तो सबको आता है, बहुत लोग हैं। एक तो वो कंडीशन है जिनको आता नहीं है, वो तैयारी में लगे हैं कि उस लेवल पे हो जाए, ठीक है। एक है सब कुछ आता है कर नहीं पाते, वो वहाँ पे ज़्यादा दुख की बात है, सब कुछ आता है नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, 120 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, सॉरी 120 मिनट, तो काफ़ी कम टाइम भी होता है। और उसमें जनरल में जाने के लिए तो अभी तो मेरिट थोड़ा कम गया है, 2016 में और 13 में और उससे पहले एग्ज़ाम में 90 से अबव रहा है, 91 92 इस तरह से ऊपर रहा है, वहीं पे सिलेक्शन हो भी पाया है, ठीक है। तो वो पेपर भी कोई खास इतने इजी नहीं थे, इस बार वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा थी तो इस कंडीशन में थोड़ा सा कम गया, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, 82-83 तक, 81-82 ऐसे कुछ रहा है, ठीक है। तो फिर भी लो तो रहा ही है, ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से। मान के चलिए कि 90 से ऊपर या 95 से ऊपर मान के चलिए टारगेट होना ही चाहिए जनरल वालों के लिए। जब जनरल के लेवल में तैयारी करते हैं तो ओबीसी एंड एससी ऑलरेडी अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हम जो प्रिपरेशन के बारे में या बताते हैं कि भाई किस लेवल पर तैयारी करो, तो आगे जो इंटरव्यूज होने वाला है, इंटरव्यू तो होगा नहीं, अगली जो भर्ती आएगी तो उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, तो जनरल वाले अपने आप को मान के चलो 95 से ऊपर हमको लेके चलना, 100 का टारगेट बना लो कि 100 है तो श्योर है, 100 क्वेश्चन है तो 100% श्योर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतने पे हो जाएगा। तो 100 पहुँचना, 100 तक जाना दिक्कत तो होता ही है, और 100 जाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी हो, बहुत अच्छी खासी स्पीड हो और कोई भी किसी प्रकार के एग्ज़ाम के टाइम टेंशन ना हो। वो भी बहुत डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम के टाइम आपको कुछ दिक्कत है, टेंशन है, कोई पारिवारिक समस्या है, कुछ है, तो वो दिमाग में चलती रहती है, वो उस समय पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पाती, चाहे आता भी हो या ना आता, और बहुत अच्छा प्रिपेयर होने के बावजूद भी वो नहीं हो पाता। वो 2 घंटे बहुत अहम होते हैं कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, भले ही कुछ आता है, बस सब कुछ आता है, पहले सेलेक्ट हो गए उस दिन नहीं हो पाए, तो वो 2 घंटे भी डिपेंड कर जाते हैं कि भाग्य में नौकरी है कि नहीं है। सब कुछ आने के बाद भी कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, वैसे कि जब कोई आता है, स्पीड भी है, बार बार एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, तो हो तो जाएगा ही, भले ही थोड़ा नीचे से ऊपर हो जरूर जाता है, दिक्कतें होने के बावजूद भी हो जाता है। अब मान के चलिए मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि किस तरह से तैयारी करें, हमारा नहीं हो पा रहा, बार बार नहीं निकल पा रहा, वो ज़्यादातर उसमें वो लोग होते हैं जो प्रैक्टिस केवल एग्ज़ाम टाइम करते हैं, सोच लेते हैं हाँ ठीक है एग्ज़ाम में आके कर लेंगे, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं करते, घर पे बैठ के रिवाइज नहीं करते, तो आलसीपना हो जाता है, क्योंकि मैथ वाले को आलसी होना ही नहीं है, हर समय लगा रहना है, हर समय प्रैक्टिस करते रहना है, और जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार रिवाइज करते हैं, ऐसे लोग काफ़ी मिलते हैं देखने के लिए, जिन्हें बिना लगाए चैन नहीं मिलता है, इनके बिना लगाए क्वेश्चन करना ही होता है, हर समय करते ही रहते हैं। तो जो लगातार लगे होते हैं, एग्ज़ाम हो कि ना हो, वो सेलेक्ट होते हैं, उनकी ऑलरेडी स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग मान के चलिए 85 से 90% लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, बार बार देते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, और बार बार एग्ज़ाम देंगे केवल एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, महीना भर पहले, 1.5 महीना ऐसे टाइम पे ही पढ़ाई करते हैं, तो हर बार आता है एग्ज़ाम, आता है चला जाता है, और सिलेक्शन दिए बिना चला जाता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, काफ़ी एज हो गई है, 45-50 की रेंज में चल रहे हैं, उसके ऊपर में काफ़ी टेंशन है, दिमाग के ऊपर काफ़ी टेंशन आ गई है, किस तरह से सेलेक्ट हो, तो लगातार लगे रहिए, लगातार तैयारी करेंगे, स्पीड भी बढ़ेगी, और अपने आप पर विश्वास बनाए रहिए, तभी सेलेक्ट हो भी पाएंगे।